लक्ष्मी सर, आज हम लोग जीएसटी के और जमीन में कैसे इंक्लूड करना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर परचेज के टाइम पे जीएसटी आता है या सेल्स के टाइम पे जीएसटी आता है या सर्विसेज में अगर जीएसटी आ जाए तो उसको हम जनरेटरी में कैसे लिखना है, इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी को कैसे एंट्री करना है वो हम लोग ये सब में देखने वाले हैं। ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग आज जीएसटी सम्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, आप अगर टेक्स्ट बुक निकाल दे तो ये टेबल ये फॉर्मेट आपको पूरी तरह से दिखेगा। इधर बताया राइट हैंड एंट्री से बुक साफ की दिनेश भाई के बुक में जनरेटरी लिखना है। और उधर बोलता है कि जीएसटी इंक्लूड नहीं है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें कोई भी जीएसटी उन लोग ऐड नहीं किया है, तो आप लोगों को जीएसटी ऐड करके ये जनरेट लिखना है। तो जीएसटी का स्लैब दिया है सी जीएसटी 6%, अगर गुड्स होगा तो सर्विस होगा 2.5%, एस जीएसटी गुड्स होगा 6%, सर्विस होगा 2.5%, आई जीएसटी मतलब इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में अगर हम परचेज करते हैं तो एक ही को टैक्स होता है, वो आई जीएसटी का 12%, अगर सर्विस होगा तो 5%। तो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। पेज नंबर 2019 अप्रैल 1 में गुड्स 50,000 परचेज, कितना बोला गुड्स 50,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, कहाँ से करेगा हम लोगों ने, सुरेंद्र भाई या सुरेंद्र नगर इज इन गुजरात। प्लस एक किधर का है, दिनेश भाई किधर का है, दाहोर का है, तो दाहोर भी गुजरात है, तो दोनों गुजरात है, दाहोर और सुरेंद्रनगर दोनों गुजरात है। तो अपन को क्या आएगा, सी जी एस टी और आई जी एस टी, क्योंकि विद इन द स्टेट में दो आता है, आउट ऑफ स्टेट में सिर्फ एक आता है, तो इधर हमको सी जी एस टी भी आएगा। तो 2019 अप्रैल 1 क्या आएगा, परचेज गुड्स अकाउंट डेटा, परचेज में अपन को क्या आता है, गुड्स आ रहा है उसे इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेटा इनपुट एस जी एस टी, क्योंकि विद इन द स्टेट है, एक ही स्टेट के अंदर होता है तो दोनों होते हैं सी जी एस टी और भी। और हमने क्या दिया, पेमेंट मेड बाय चेक, चेक मतलब बैंक, ठीक है। तो इधर परचेज हम कितना, 50,000 का 10% हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10% क्या कितना है, 45,000 ये मेरे पास। तो 45,000 पे कितना परसेंट है, 6%, तो 45,000 का 6%, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपको जीएसटी करना है, 600 6 5 30 6 4 24 प्लस 3 27, मतलब 2,700 ये भी आएगा, 2,700 ये भी आएगा, और टोटल कितना आ गया, 50,400, ये पूरा टोटल आपको क्रेडिट में आएगा 50,400। Being goods purchased at 50,000 with 10% trade discount and GST at 6% भी तो हम 12% लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को 6 6 हमने डिवाइड किया था, 12% अपन के तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो अपना फर्स्ट वन। अगर सेकेंड वन की अगर हम लोग बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4, गुड्स ऑफ रुपीज 40,000 परचेज एट 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम विष्णु भाई ऑफ वाराणसी, क्या ये वाराणसी आ रही है, विष्णु भाई ऑफ वाराणसी दैट इज यूपी दिया है। तो एक बात है, अपन लोग अगर पेड इन कैश अगर अवार्ड देता है तो फिर अपन को कैश डिस्काउंट करना पड़ेगा, इधर पेड इन कैश अवार्ड नहीं है, पेड इन कैश नहीं है लेकिन विष्णु भाई ऑफ वाराणसी दिया है, मतलब ये क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधारी ट्रांजेक्शन है, तो अपन को इधर उधारी में भी अपन को जीएसटी तो लगेगा क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो इधर 4 आएगा, परचेज अपॉन डेटा इनपुट क्या है, यूपी का क्या आता है, अदर स्टेट में मतलब सिर्फ एक ही आता है, वो क्या है, इनपुट आई जी एस टी और 2 कौन है, वो विष्णु भाई, ठीक है। तो इधर कितना बन गया आपको, 40,000 है,
और 40,000 लिखेंगे क्योंकि इसमें कैश दिया भी है, कैश देगा तो डिस्काउंट को भी अलग एंट्री लिखना पड़ेगा, कैश नहीं दिया इसलिए आपने डायरेक्ट रिटर्न किया। और कितना परसेंट है आई सी सी का? 12%। तो 12 × 4 = 48, तो 4,800, तो ये टोटल हो गया 44,800। इधर हम लोग लिखेंगे बी गुड्स परचेज फ्रॉम विष्णु भाई ऑफ यूपी, यूपी लिख लेते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, विद जीएसटी 12%। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नंबर 7, गुड 60,000 सोल्ड एट 10% के डिस्काउंट टू हिमांशु भाई हिम्मत नगर। हिम्मत नगर दिया जा रहा, हिम्मत नगर अपना गुजरात के अंदर ही है, तो वो विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट के लिए हम लोग क्या करें सेल्स कर रहे हैं, और पेमेंट तो मिला नहीं हम लोग, कहीं तो पेमेंट के बारे में नहीं बताया, मतलब कैश मिला नहीं कुछ नहीं बताया, ये भी अपन क्या है क्रेडिट ट्रांसफर है। तो सोल्ड करते सामान हम लोग बेच रहे, सामान जाएगा और लेने वाला कौन है? हिमांशु भाई, हिमांशु भाई इज द रिसीवर, तो हम लोग रिसीवर को डेबिट करते हैं। हिमांशु भाई अकाउंट डेट आर सेल्स है, सेल्स से इसलिए क्या आएगा आउटपुट, और वो भी क्या है विद इन द स्टेट, हिम्मत नगर गुजरात के अंदर ही है, गुजरात में ही हो रही है, मतलब विद इन द स्टेट, इसलिए हम कहते हैं सी जी एस टी आएगा और एस जी एस टी आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले सेल्स का देखते हैं, 60% में 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 10% माइनस होगा, दैट इज अपन को कितना है सेल्स में 54,000 में हुआ है। अभी 54,000 का कितना 6%, तो 54,000 का 6%, 600, 6 × 24, 6 × 30, 30, मतलब कितना आया 3200, दैट मीन 3200, तो कितना आया 60,400, हम लोग लिख सकते हैं बी गुड्स सोल्ड टू हिमांशु ऑफ हिम्मत नगर एंड सी जी एस टी एस जी एस टी एट 6%। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं 11 में क्या बताया, गुड्स 50,000 सोल्ड एट 10% के डिस्काउंट टू शशिकांत ऑफ शिमला, शिमला ठीक है, हरियाणा या शिमला तो अपना दूसरा स्टेट में चला जाती है, एंड पेमेंट रिसीव्ड थ्रू चेक, पेमेंट भी मेरे को मिल गया बैंक पे, पैसा आ गया, तो इधर 10% ट्रेड डिस्काउंट कीजिए, वो भी आपको ध्यान देना है, तो मेरे को मिल गया पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेटा टू सेल्स, और कभी भी सेल्स करते हैं जीएसटी होगा तो क्या होता है आउटपुट जीएसटी होता है, और ये कौन ही है दूसरा स्टेट है शिमला है, शिमला होता है अदर स्टेट का होता है, इसलिए इसका जो अपन को आई जी एस टी है आउटपुट आई जी एस टी अकाउंट कितना है 50,000 में 10% पहला माइनस करना है, मतलब 5,000 माइनस होगा तो 45,000 अपन को बच रही है, 45,000 अपन को कहाँ आएगा सेल्स में आएगा 45%, और 45,000 का 12 क्योंकि आई जी एस टी 12%, तो 45,000 का 12%, 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 2 =
शिमला एंड आईजीएसटी 12% कैलकुलेटेड, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर इसके अंदर का 11, उसके बाद 15, 18, 25, 28 चार क्वेश्चन बाकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको
अगर नेक्स्ट पेज में जा रहा है तो इसको नीचे एक सिंगल लाइन करके इसका टोटल करते हैं और नीचे भी सिंगल लाइन है और इसका टोटल को हम लोग अगले पेज में क्या करते कैरी फॉरवर्ड करते उधर वो कैरी फॉरवर्ड करके इधर से कैरी फॉरवर्ड और उधर उधर से कैरी ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड और उधर से ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिख के हम लोग नेक्स्ट पेज में उसको चालू करते हैं। तब हम इसको मिटाते हैं फिर हम लोग और चार ज्योमेट्री है वो देख लेते हैं। ज्योमेट्री जीएसटी के साथ अगर रिटर्न हो तो कैसा करना चाहिए। ओके इधर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। अप्रैल 15 अप्रैल 15 में क्या बोला 1/4 ऑफ गुड्स रिटर्न टू विष्णुभाई। विष्णुभाई के हमारे पास विष्णुभाई है 4 तारीख को हमने क्या किया था परचेस किया था 4 तारीख को हमने परचेस किया उसका 1/4 सामान हमने वापस कर रहा है तो उसमें भी हमने 10% माइनस भी किया था तो 40,000 में अगर मेरा 10% गया तो 4,000 गया तो 36,000 का तो 36,000 का 1/4 हम क्या कर रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज है परचेज का वापस जाता परचेज भी ना होता सामान बाहर जा रहा है इसलिए हम लोग किसके पास जा रहे हैं वो विष्णुभाई के पास जा रहे हैं तो विष्णुभाई इज द रिसीवर। विष्णुभाई द रिसीवर विष्णुभाई अकाउंट डेटा टू परचेज रिटर्न और साथ में क्या होगा जो इनपुट हम उस जमा उस समय पे जो इनपुट हम लोग लिखा होगा वो इनपुट भी इधर बोला प्रोपोर्शनेट इनपुट प्रोपोर्शनेट जीएसटी इज एडजस्टेड तो विष्णुभाई किधर का है वाराणसी का यूपी का है तो अब उनको आई जीएसटी रिटर्न चले जाएगा दैट इज इनपुट आई जीएसटी ये भी कितना आएगा वहां पर अभी अपना अमाउंट कितना था पहला परचेस में 36,000 था 36,000 का 1/4 भी है तो 36,000 का 1/4 कितना होता है रिटर्न्स में आएगा ये 1/4 तो ठीक है ये इधर आएगा रिटर्न्स 36,000 इनटू 1/4 तो ये आया मेरे को 9,000 और उस वक्त जो आई जीएसटी होगा उसका जो भी आई जीएसटी हम लोगों ने किया होगा 36,000 का 12% का 1080 इसका टैक्स भी अपन को इधर उनको पे करना ठीक है। और दूसरी बात अगर हम लोग देखते हैं ये हो गया अपना इधर बीन गुड्स रिटर्न टू विष्णुभाई वैसे ही 18 का 1/3 गुड्स रिटर्न टू हिम्मत भाई बाय एंड प्रोपोर्शनेट जीएसटी इज एडजस्टेड हिम्मत भाई को 1/3 हमने रिटर्न किया तो हिम्मत भाई इज द रिसीवर ये सेल्स रिटर्न है सेल्स रिटर्न मतलब मेरे पास सामान आएगा जो मैंने बेचा मेरे को वापस आ रहा है तो ये मेरे को आएगा कितना 18 गुड्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेटा और आउटपुट ये कहाँ है सूर्य हिम्मत भाई हिमांशु भाई हिमांशु भाई की जगह हिमांशु भाई हिम्मत नगर का तो गुजरात के अंदर ही है तो आउटपुट सी जी एस टी एक आएगा और आउटपुट एस जी एस टी भी मेरे को आएगा और टू हिमांशु हिमांशु भाई तो हिमांशु भाई का 1/3 हिमांशु भाई का कितना देना है अब उनका 60 था 6,000 निकलते तो 54 बचा 54 का 1/3 3×1=18,000 सेल्स रिटर्न कितना है 18,000 और जो भी जीएसटी हम लोगों ने निकाला होगा कितना का 54,000 का हमने 6% निकाला था 0×0=6×24 6×5=30 मतलब इसका 3200 का 1/3 3×1=080 तो ये भी आपको 1080 1080 ये भी आ जाएगा तो ये टोटल आपको आएगा
ये मेरा वन थर्ड का अमाउंट है जो हिमांशु भाई को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, इसको भी बिलिंग आपको लिखना है। इसके बाद हम बोल रहे हैं 25 अबाउट 20,000 परचेज फ्रॉम सजानंद फर्नीचर मार्ट ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद से हम लोग करेंगे मतलब विद इन द गुजरात हम लोग कहते हैं कंपोर्ट कहते हैं, तो कंपोर्ट मेरे पास आ रही है, इसको हम लोग फर्नीचर लिखते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेटा हम क्या कर रहे थे, परचेज कर रहे थे, इनपुट आएगा वो भी विद इन द अहमदाबाद गुजरात है, तो इनपुट CGST अकाउंट डेटा इनपुट SGST अकाउंट डेटा टू कहाँ से खरीदा हम लोगों ने, सजानंद फर्नीचर मार्ट। इसका हम लोग करेंगे तो कितना दिया 20,000, तो 20,000 का 6% 6 × 12 तो टोटल आएगा 22,400। अभी हम लोग देखेंगे शॉप रेंट पेड 8,000, पेड मतलब एक्सपेंस होता है, तो शॉप रेंट अकाउंट डेटा ये भी हमको सर्विस के अंदर है, तो सर्विस इनपुट CGST अकाउंट डेटा इनपुट SGST अकाउंट डेटा टू क्या जा रही है, पैसा जा रहा है टू कैश। देखो सर्विस है, रेंट क्या होता है, एक तरह का सर्विस चार्जेस होता है, तो सर्विस चार्जेस को कितना दिया आपको 2.5, तो दोनों को 2.5 पे करना है, तो रेंट जो है 8,000 है, 8,000 का डायरेक्ट 5% करके भी आप उसको बाइक टू कर सकते हैं या 2.5 अलग अलग कर सकते हैं। तो अगर इसका 5% करेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा, वो 200 इधर 200 इधर, तो 8,400। तो इधर तो हम लोग बैलेंस BF और रिका वगैरह अलग अलग पिछले पेज का वो और ये सबका टोटल करेंगे तो आपका इधर डबल एफ करना है नीचे और ऊपर सिंगल, ये टोटल आपको इधर लिखना है लास्ट टोटल रुपीज, ठीक है। इस तरह से हम लोग को GST का जनरल एंट्री से अपन को करना है, इस तरह से करने से अपन को GST पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा।